वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मानव शरीर के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जीव विज्ञान के बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 251 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया कहते हैं रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी को दिल का दौरा का कारण है। अगला क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। सोचिए इसका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के लिए बिना उगाया जाता है। तो इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है, इसलिए मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। तो गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का क्यों होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, सोचिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केसिन के साथ साथ केरोटीन होता है गाय के दूध में, इसलिए पीले सफ़ेद रंग का होता है गाय का दूध। दोस्तों ये पूरे 1000 का सीरीज़ है, जीव विज्ञान के बायोलॉजी के क्वेश्चन के 1000 का सीरीज़ है। इससे पहले 250 क्वेश्चन तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए है, वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन बनाने में या वीडियो बनाने में हमको जितनी मेहनत लगी है उतनी मेहनत आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगी, तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। सोचिए इसका, अगर आपको पता हो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, विटामिन ए प्रचुर होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें किसमें विटामिन ए प्रचुर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गाजर। तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनोस्मिया, एनोस्मिया कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि, सोचिए इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेल में असंतृप्त वसाएँ होती है इसलिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएँ होती है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है कोलेस्टेरॉल। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कम न पता हो, उसके आंसर आपको नहीं आते हो, तो आप हो सके तो उस क्वेश्चन को लिख दीजिए और उसका आंसर भी लिख दीजिए और नोट्स बना दीजिए। अब जो भी आप लर्न करते हो उसमें आपको अच्छे से याद नहीं रहता है तो उसको उसकी आपको नोट बना देनी चाहिए, वो नोट्स एक बार एग्ज़ाम पे पहले पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से याद रह जाए, एक बार जो भी आप लिखते हो वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। तो कृपया जो भी आप बुक्स पढ़ते हो उसमें से अच्छे से याद नहीं रहते हो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक आप नोट्स बना दीजिए और एग्ज़ाम पे टाइम में वो रिपीट करते ही। अगला क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यहाँ पे कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कैल्सीफेरॉल कैरोटीन और टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कैरोटीन टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो, कृपया इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 45 ग्राम, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो किस विटामिन का एक प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल, तो गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स रोग बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, यहाँ पे कुनेन है एक औषधि है जो मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है और दूसरी भी एक औषधि है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर टीथर, तो आर टीथर एक ऐसी औषधि है जो मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनॉल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समूह संबंधित नहीं, यहाँ पे पाइरिडॉक्सिन थायराइड और राइबोफ्लेविन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट, घात करो और छिप जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घात करो
और चिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, RSV विषाणु। तो RSV विषाणु घात करो और चिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। नेक्स्ट, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया तो सही आंसर हो जाएगा जापानी एनसेफेलाइटिस। तो जापानी एनसेफेलाइटिस जो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखने के लिए के उन्मूलन के लिए है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास या आ जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो कृपया कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोज। तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से किसकी कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, केसिन दुग्ध होता है या होती है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर प्रोटीन होती है, केसिन दुग्ध होता है या होती है, दूध में होता है केसिन। अगला क्वेश्चन, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए इसका आंसर, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकती हो। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपने ऑप्शन सी मस्तिष्क चुना है तो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।